सब रेडी हो गए हैं फ्लाइट उड़ाने के लिए। और सबसे पहले मुझे ये लगा कि माध्यम से हम सारा कुछ डिसाइड करेंगे कि हमको किस रूट में जाना है। व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल चाल आपके? सब ठीक ठाक? तो मैं हूँ आपका दोस्त राजीव आर्या और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो मैं हूँ अभी नोएडा में और आपको यहाँ से प्लेन उड़ाकर दिखाने वाला हूँ और उसमें बैठकर खिलाने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए आपको दिखाते हैं काम 25 करके। ठीक, सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। मैम, दो बोर्डिंग पास लेना। 100 रुपीज़ का पर्सन? क्या, 100 रुपीज़ का पर्सन? ओके ओके। पहले कितना था? Sorry? पहले कितना था? पहले 250 का था। हाँ, 250 का था, तो अभी 100 हो गई है। ओके ओके। तो ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। अब ये मत पूछना 100 रुपीज़ का है, ये मत पूछना दो किसके लिए है। तो यहाँ पे ब्रो है अपने विकास कुमार, तो ये मेरे साथ हैं। तो एंट्री मिल गई है और आपको दिखाते हैं अभी हम पूरा एकदम काम 25 करके दिखाने वाले हैं। तो एकदम ही पूरा काम 25 होने वाला है और मज़ा भी आने वाला है क्योंकि बिल्कुल भाई साहब अलग कॉन्सेप्ट है, आपको दिखाते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमारा कुछ एंट्री ऐसा है और यहाँ से एंट्री करेंगे। सही है, लाइटिंग देखो गजब का सजा के रखा गया है। तो आज ना भैया एकदम अजब ही गजब होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। कि अभी हम कहाँ पहुँच रहे हैं वो देखिए पहले। तो भैया हम पहुँच गए फ्लाइट में, ये देख लो जनाब, आपको वर्चुअल तरीके से लेके आ गए हैं फ्लाइट रेस्टोरेंट में। और ये ना कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ही गिने चुने जगहों पे है। तो चलिए पहले ऑर्डर देंगे, सारा चीज़ आपको हम बताएंगे अभी। तो विकास जी अपना मेन्यू देख रहे हैं और ऑर्डर करने वाले हैं यही। तो हमने ऑर्डर किया अभी क्या किया ऑर्डर, पिज्ज़ा, चिकन टिक्का पिज्ज़ा और एक फेंटा था, कोक, एक कोक। तो एयर होस्टेज जो होती है वो आई है ऑर्डर लेने, तो आ रही है लेके, फिर दिखाता हूँ। तब तक आपको कुछ एक चीज़ और दिखाता हूँ जो कि दिखाने लायक है। तो यहाँ केबिन में जाने के लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन देने पड़ेंगे तभी आप जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। पहले चार्ज नहीं लगता था एक्चुअली, लेकिन अब लगता है। तो ये कुछ अलग कर दिया इन्होंने, ये जो एरोप्लेन है सच का एरोप्लेन है, इसको मतलब डुप्लीकेट नहीं है कोई भी। और देखो आप ये पूरा विंडो इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया। और इधर देखो जो हम एंट्री करते हैं बड़े बड़े जो होते हैं एयरपोर्ट, उसमें आपको इसी तरह के एंट्रेंस मिलेंगे। और यहाँ से आप एंट्री करेंगे सीधे तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, क्योंकि एकदम अलग कॉन्सेप्ट है ये। और मुझे लगता है ये नोएडा में, इसका लोकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो लोकेशन है, आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो नोएडा सेक्टर 18 में आपको मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे उतरना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ से ऑटो वगैरह 30-40 रुपये में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आ सकते हैं आप। तो मैप पर डालिए और पहुँच जाइए। और अंदर का इंटीरियर कुछ ऐसा है देखो। तो हम वेट कर रहे हैं फ़िलहाल अपने ऑर्डर का और उसके बाद आपको उड़ा के दिखाएंगे कि कैसा लगता है प्लेन उड़ाने में, मज़ा क्या आता है, फील क्या आता है। एकदम जो इसके सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है, हालांकि ये बस टाइप का लग रहा है सीट वगैरह, लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है। जो सामने देख रहे हो आप ये ओरिजिनल जैसे कि लगेज रखने के लिए होता है, यहाँ पर भी वही है, एक्चुअली ओरिजिनल वाला ही है। इसे बस अंदर का इंटीरियर जो है वो हटाकर रेस्टोरेंट बनाया गया है, तो यही अंतर है और कुछ अंतर है नहीं। हालांकि यहां पे बोर्डिंग पास भी मिलते हैं। पहले क्या था कि 250 का वो बनता था, बोर्डिंग पास दिया जाता था, उसके बाद आपको मोहितो दिया जाता था, ड्रिंक दिया जाता था पहले 100 रुपीज़ का, बाकी आप खाइए ऑर्डर दीजिए और जो होगा उसका इंक्लूड किया जाएगा बिल में आपके, तो वैसा होता था, बाकी सब क्लियर हो जाता था। अभी सिर्फ एंट्री फ़ी आपको 100 रुपीज़ लगेगा और उसके बाद जो खाइएगा उसका, जो ऑर्डर कीजिएगा उसका अलग बिल पे करना होगा आपको। तो सिस्टम कुछ अलग हो गया, ये चीज़ हमेशा नोटिस रखें कि हमेशा अपग्रेड होता रहता है हर चीज़, तो यहाँ पे भी अपग्रेड कर दिया गया है। तो आ गया अपना पिज़्ज़ा। एक्सक्यूज़ मी,
तो अपना जुगाड़ आ गया है और देख लो थोड़ा भाई एकदम फुल मजे में। तो हमारी पिज्जा आ गई है, मैं कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली पीता नहीं, तो यहाँ पे मसाला कुछ डालना पड़ेगा। देखते हैं खा कर कि टेस्ट क्या है इसका। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस देखते हैं खा के कि क्या सीन है। लीजिए, टेस्ट तो सही है, अच्छा लग रहा है। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक था, एवरेज था, लेकिन इसका जो इंटीरियर है ना वो मेरे को इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया कि मतलब, और ज़्यादा कॉस्ट बनता नहीं है, 5-7-800 में आप क्लियर कर सकते हो। तो आओ कभी और घूमो। और दूसरा बात कि हम आपको उड़ा के दिखाते हैं अपने, तो बाहर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, ये देखो एकदम मज़ा आएगा आपको, फील तो आपको डिट्टो ओरिजिनल वाली आएगी। ये नहीं लगती क्या? Okay. लड़के आए थे दो तीन, तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ये देखो भैया, देखते रहा भाई प्लेन में बैठा है। तो भाई साहब रेडी हो गए हैं फ्लाइट उड़ाने के लिए, और सबसे पहले मुझे ये लगाना पड़ेगा, तो मैं लगा लिया हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, और सारा कंट्रोलिंग जो होगा मेरा इसी में होगा, और इसी के माध्यम से हम सारा कुछ डिसाइड करेंगे कि हमको किस रूट में जाना है, किस रूट में नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो? भाई मजाक कर रहे थे, एक्चुअली क्या है, आप भी यहाँ पे मजा ले सकते हैं, 50 रुपये पेड करना पड़ेगा भैया, बिना 50 रुपये पेड किए कोई उपाय नहीं। मज़ा ही आ गया प्लेन को उड़ाकर, और काफ़ी मज़ा आया क्या ही बताएं। तो अभी आइए एक बार और उड़ाइए प्लेन को और मज़ा लीजिए। मेरे साथ जो मेरे को पायलट हैं वो देखो विकास जी हैं, और विकास जी भी साथ में, पूरा एकदम हम लोग चक्कर पूरा दिल्ली का काटे हैं, और दिल्ली से न्यूजीलैंड आए हैं, न्यूजीलैंड से फिर वापस आए। तो आपको भी सौभाग्य अगर प्राप्त करना है ना तो आपको आना ही पड़ेगा भैया। तो हमारा जो बिल बना है 586 का बना है, और पेमेंट करते हैं। तो बाहर से कुछ ऐसा इंटीरियर है जो कि एकदम ओरिजिनल फ्लाइट है, और पूरा लाइटिंग लगाया गया है, देख लो आप, इसमें भी रात को लाइटिंग पूरा लगा रहता है, और पूरा प्लेन आपको अच्छा दिखने वाला, बहुत खूबसूरत दिखने वाला। यहाँ हाथी है, फोटो सेशन भी अच्छे खासे कर सकते हैं आप, यहाँ पार्क बनाया गया छोटा सा, अगर अंदर नहीं खाना है तो वहाँ पे केबिन बना हुआ है, वहाँ पे खा सकते हैं, और वहाँ पे खेलने कूदने के लिए दिया गया है काफ़ी चीज़, जहाँ पे आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ पे मिसाइल भी दिया गया है। देखिए ये सब क्वालिटी है। तो ओरिजिनल किचन जो है वो यहाँ है, और यहाँ से एंट्री, यहाँ से अंदर जाता है, और आप देख सकते हैं सर्व किया जाता है फ्लाइट में यहाँ से। तो साहब कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और मैंने तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी ज़बरदस्त किया है, तो बहुत ही मतलब अच्छा प्लेस है फ़ोटो सेशन के लिए, और मज़ा तो काफ़ी आता है, तो आप भी कभी आइए यहाँ पे। तो एरो रेस्ट्रो के जस्ट सामने आपको मिलेगा वॉ, और वॉ ओपन भी है, देख सकते हो आप, जैसे कि काफ़ी सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, और देखो यहाँ वॉ है, बारिश है, मून बार, और काफ़ी सारे आपको ये चीज़ मिल जाएंगे, और ये है नोएडा में प्रॉपर। तो आपको जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा है, एक बार एक्सपीरियंस ले यहाँ पे आके, और यहाँ का व्यू ले, यहाँ का काफ़ी मतलब आसपास जो भी है ना, एकदम काम 25 वाला रापचिक वाला चीज़ है, और एकदम मज़ा ही आ जाता है, क्या ही बताएं। फ़ोटो सेशन अगर करना चाहते हैं, नॉर्मली काफ़ी लड़कियाँ, काफ़ी कपल जो हैं यहाँ पर फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, तो आप भी फ़ोटो सेशन कर सकते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। बाकी आपको रेस्टोरेंट के अंदर जाना है तो जा सकते हैं, कोई दूर नहीं है, नोएडा सेक्टर 18 से ज़्यादा दूर है नहीं, पैदल आना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर है,
1.2 किलोमीटर और ऐसे 2 किलोमीटर है, तो पैदल भी वॉकिंग करके आ सकते हैं आप। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना वाला जय हिंद, ख्याल में रखिएगा।